hello experience welcome to the upsc analyzer today we will discuss newspaper analysis dated 28th of september 2022 and if you are finding this analysis helpful then please like share and subscribe i have also started my upsc mentorship program in which i am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static parts related to every current affair in detail if you are interested and want to join this program for that you need to visit the telegram group and the link of the telegram group is in the description box Here the false news is after Jay Shankar swipe at US over Pakistan F-16s, Blinken says only to fight terror. तो कल हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यूएसए को कहा था कि आप ये जो एफ़ सिक्सटीन का सस्टेनेंस पैकेज दे रहे हो पाकिस्तान को तो यू आर नॉट फूलिंग यानी बडी सब पता है कि पाकिस्तान यहाँ पर एफ़ सिक्सटीन किस काम के लिए यूज़ करता है तो अफकोर्स यहाँ पर पाकिस्तान एफ़ सिक्सटीन को अगेंस्ट इंडिया पास्ट में भी यूज़ किया है और आगे भी अगेंस्ट इंडिया ही यूज़ करेगा लेकिन यहाँ पर ब्लिंकन का क्या कहना है एंथनी ब्लिंकन का कि हम यहाँ पर पाकिस्तान को एफ़ सिक्सटीन का सस्टेनेंस पैकेज दे रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान टेररिज्म से फ़ाइट कर सके वॉशिंगटन ऑब्लीगेशन टू प्रोवाइड मिलिट्री इक्वमेंट टू इंश्योर दैट द एयरक्राफ्ट आर मेनटेंड एंड सस्टेंड और जिसकी वजह से यहाँ पर इस्लामाबाद की जो केपेबिलिटी है टू डील विथ क्लियर टेररिस्ट थ्रेड फ्राम अलकायदा एंड आई एस आई एस तो वो यहाँ पर इस्लामाबाद की केपेबिलिटी को बोलस्टर करना चाहते हैं नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर फाइट फॉर रियल सेना सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स उद्धव प्ली लेट्स ईसी डिसाइड तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की जो फैक्शन का यहाँ पर प्ली था पहले तो हम वो डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ट्यूजडे रिजेक्टेड द उद्धव ठाकरे लेट शिवसेना आज प्रेयर टू स्टे प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर द इलेक्शन कमीशन तो उनका ये कहना था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने जो भी प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर यहाँ पर स्टे लगा देनी चाहिए ओवर अ रिक्वेस्ट बाई द महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एक नाथ शिंदे फॉर रिकोगशन ऑफ दिस फैक्शन एज द रियल शिवसेना तो यहाँ पर एक नाथ शिंदे का जो फैक्शन है उनका ये कहना है कि रियल शिवसेना वो है और यहाँ पर जो पार्टी का सिंबल है बो एंड एरो इलेक्शन सिंबल तो ये उनको परमिशन मिलनी चाहिए कि वो यहाँ पर पार्टी के सिंबल को यूज़ कर सकें विद डायरेक्ट देयर शेल बी नो स्टे ऑन प्रोसीडिंग्स बिफोर द इलेक्शन कमीशन तो ये यहाँ पर डिसाइड किया है फाइव जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी प्रोसीडिंग्स को जारी रखेगा उसके ऊपर कोई भी स्टे नहीं लगाई जाएगी बाकी आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है राजस्थान की पॉलिटिकल क्राइसिस तो वही यहाँ पर मेंशन है फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का केस मेंशन है कि छत्तीसगढ़ में भी बेसिकली यहाँ पर दो चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट्स हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर भूपेश बाघेल चीफ मिनिस्टर है लेकिन यहाँ पर टी सिंह देव तो ये भी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो ऐसे में कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि रोटेशनल चीफ मिनिस्टरशिप होगी लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है नेक्स्ट हम आगे चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है आप खुद देख सकते हैं हाउ डेली कॉप्स कैप्ट ऑपरेशन अगेंस्ट पी एफ आई अंडर रैप्स तो हम पी एफ आई की स्मॉल हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है आगे हम चलते हैं पी एम अटेंड्स आबे स्टेट फ्यूनरल इंडिया इज ऑलवेज मिसिंग हिम प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की एक स्पीच बहुत ज़्यादा फेमस है कन्फ्लुंस ऑफ टू सीज स्पीच इन द इंडियन पार्लियामेंट इन 2007 एंड इट लेड द ग्राउंड फॉर द इमरजेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन एज अ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक रियलिटी तो कहीं पर भी आप अगर इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में लिख रहे हैं तो आपको इस स्पीच का मैंशन ज़रूर करना चाहिए The Prime Minister noted the contributions of late Prime Minister Shinzo Abe in strengthening India-Japan partnership as well as in conceptualizing the vision of a free, open and inclusive Indo-Pacific region. EWS reservation will not cut into existing quotas. तो कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि SC, ST और OBC का जो रेजर्वेशन है उसके ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है EWS के रेजर्वेशन की वजह से लेकिन एक आर्गुमेंट ये था कि जो यहाँ पर जनरल का शेयर है और जो यहाँ पर ओ में क्रीमी लेयर का शेयर है वो एक्चुअली कम हो जाएगा क्योंकि ई को यहाँ पर टेन परसेंट का रिजर्वेशन दे दिया गया लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि एब्सल्यूट नंबर में ये शेयर कम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर एडिशनल सीट्स को ऐड कर दिया गया था इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस apparently seeking to allay concerns that the quota for EWS may cut into the reservation for backward classes or reduce seats available in the general category, द जनरल कैटेगरी तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है दैट इट हैड अप्रूव्ड क्रिएशन ऑफ टू लैख एडिशनल सीट्स इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो बेसिकली यहाँ पर रिस्पेक्टिव कोटा फॉर अदर कैटेगरीज आर नॉट अफेक्टेड तो यहाँ पर अगर हम एब्सल्यूट नंबर देखें तो इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है

आशा पारेख टू रिसीव दादा साहेब फालके अवार्ड। वेटरन एक्टर आशा पारेख हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द दादा साहेब फालके अवार्ड फॉर फा द ईयर 2020। एंड द दादा साहेब फॉल्के अवार्ड इज द कंट्रीज़ हाइएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ़ सिनेमा तो सिनेमा की फील्ड में हाइएस्ट अवार्ड है जो कि दो हज़ार बीस के लिए आशा पारेक जी को दिया जाएगा अब हम आगे चलते हैं द लो कमांड तो ये कांग्रेस के ऊपर ही याद है कि हमें तो लगता है हाई कमांड और हाई कमांड के सारे डिसीजन माने जाते हैं लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट लाइव तो सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स हुई थी द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स बिगनिंग ट्यूजडे वॉज टेकन इन अ फुल कोर्ट लेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी होगी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी लाइव स्ट्रीमिंग डायरेक्टली ब्रिंग सिटीजन इन टू कॉन्वर्सेशं जो कि अभी तक रेस्ट्रिक्टेड थी टू जजेस लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स दीज इंक्लूड केसेज जो कि चैलेंज करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ जॉब कोटाज फॉर ई डब्ल्यू एस क्वेश्चन रिलेटेड टू द पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र तो यहाँ पर लाइव प्रोसीडिंग्स की जाएगी सुप्रीम कोर्ट की इन ट्वेंटी एटीन थ्री जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि लाइव स्ट्रीमिंग इन केसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल हुज फॉर लॉन्ग एडवोकेटेड की यहाँ पर आईडिया ऑफ रीजनल बेंचेस होना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सेस टू जस्टिस इम्प्रूव हो सके एंड ही ऑल्सो बेटे फॉर लाइव स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीमिंग इज ऑल्सो एन अकाउंटेबिलिटी टूल फॉर अ चेक ऑन पॉपुलस स्टेटमेंट्स बाई लॉयर्स एंड फॉर एन्श्योरिंग कि जज यहाँ पर प्रोसीडिंग्स को टाइम पर स्टार्ट करें एंड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल साइड्स तो यहाँ पर क्या फ़ायदे हैं लाइव स्ट्रीमिंग्स के वो यहाँ पर मैंशन है बेनिफिट्स क्या हैं यहाँ पर नेक्स्ट है अ ड्रीम फॉर ट्वेंटी फोटी सेवन तो क्या होना चाहिए हमारा ड्रीम दो के लिए तो बेसिकली जो भी हमने पास्ट में गलतियाँ की हैं उससे हमें सीखना चाहिए और हमें ये करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को कैसे अपहोल्ड कर सकते हैं सेवेंटी फाइव ईयर्स अगो वेन इंडिया टूड एट द थ्रेश होल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस द फ्यूचर प्रॉमिड द ग्रेट डील की इक्वालिटी होगी लैंड रिफॉर्म किया जाएगा द फ्यूचर हेल्थ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रिलीजन कास्ट तो यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा सेक्स के बेसिस पर रिलीजन के बेसिस पर कास्ट की बेसिस पर टुडे वी नो वेल दैट दो ड्रीम्स हैव बीन टेम्पर्ड विद द हार्शनेस ऑफ रियलिटी फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर यह बताया गया है इट वॉज एंटिल नाइनटीन एटी थ्री डेट द लॉ ऑन रे वॉज चेंज फॉर द फर्स्ट टाइम क्योंकि यहाँ पर कंट्री वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिला था लेट बाई वेमेन दैट टाइम नो वन हैड थाट टू चेंज वॉट वॉज असेंशली एन एंटी वुमेन लॉ तो यहाँ पर बात तो की गई थी जेंडर इक्वालिटी की लेकिन उसको भी यहाँ पर लाने के लिए तीस साल लग गए लिंक दिस स्टोरी ऑफ जेंडर विद कास्ट वी प्राइडेड आर सेल्फ़्स की एफर्मेटिव एक्शन है यहाँ पर रिजर्वेशन की पॉलिसी है एंड सो इट इज़ द वीकल विच वुड लीड अस टूवर्ड्स द एनिलेशन ऑफ कास्ट बट टुडे कास्ट आर्टिकुलेशन इसके अलावा कास्ट बेस्ड वॉयलेंस आज की सच्चाई है तो कास्ट वायलेंस इज ओपन ब्लेटेंट एंड वाइड स्प्रेड Or take what happened at partition. So we were unhappy with the two nation theory. We the ki country ka vibhajan ho. And in the years that followed, we repeatedly held one community responsible for it, such that many of their members who had Chosen to stay back in India, continue to be held responsible for a decision they played no part in making. तो यहाँ पर जो लोग इंडिया में रुके जो लोग इंडिया के यहाँ पर सिटीज़न हैं हम उनको अभी भी रिस्पॉसिबल मानते हैं अगर वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं कि इनकी वजह से यहाँ पर विभाजन हुआ एंड yet हमारा ये ड्रीम है कि हम एक सेकुलर इंक्लूसिव और डाइवर्स नेशन बने तो बेसिकली हमें अपने यहाँ पर गलतियाँ हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है नेक्स्ट है द चिपल इम्पेरेटिव दिस मॉन्सून सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव फाउंड लिटरली स्विमिंग इन फिल्थ एंड सीवेज, क्योंकि गटर्स यहाँ पर चोक हो गए विद द प्राइमरी कल्प्रेट। सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स का यूज होता है अब सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स के ऊपर यहाँ पर बैन तो लग गया है लेकिन स्टिल उनको यूज किया जाता है अकर्सरी एक्सप्लोरेशन ऑफ ए क्लॉथ कटर विल हाउ एवर शो कि यहाँ पर ब्रांडेड पैकेजिंग मटीरियल फॉर एग्जाम्पल मेटल फॉल्ड रेपर्स बॉटल्स एंड बास ऑफ वेरियस ग्रेड्स ऑफ प्लास्टिक इस मेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है फिर यहां पर ऑथर ने यह बताया है कि जो यहाँ पर एफ है उसका ब्रांडेड पैकेजिंग का यह काम है ये कैसे चलता है और उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है इसको कैसे कम किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल यहां पर ऑथर ने रिसेंट एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए लार्ज कंज्यूमर गुड्स एफ कंपनी की बात की हुज प्रोडक्ट्स शैम्पूस सोप्स कैचअप स्कॉशेज एट्सेट्रा आर अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया और यहाँ पर कंपनी में एटीन थाउजेंड एम्प्लॉयज है जिसमें से फिफ्टी एट हंड्रेड है परमानेंट तो जो सी ई ओ की यहाँ पर सैलरी है दैट इज वन सेवेंटी टाइम्स द मीडियम सैलरी देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स एयर सबसे पहले रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है टू करोड़ वाई फॉर अ परमानेंट एम्प्लॉय ये फिगर है छह करोड़ वेजेस कॉन्स्टिट्यूट लेस देन फाइव परसेंट जो यहाँ पर रेवेन्यू स्पेंड किया जाता है ऑन प्रोमोशन एंड एडवर्टाइजिंग इज मोर देन डबल ऑफ दैट तो वेजेस पर यहाँ पर जो स्पेंड किया जाता है और जो यहाँ पर प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड किया जाता है वो बहुत ज्यादा है अगर हम वेजेस से कंपेयर करें द फ्रेट एक्सपेंडिचर टेल्स अस डैट आउट ऑफ एवरी रुपीज हंड्रेड ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट जो कि हम खरीदते हैं यहाँ पर फाइव जाते हैं रुपीज फाइव जाते हैं इन वीकुलर स्मोक आठ रुपये जाते हैं पैकेजिंग के लिए दिस पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ होती है प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रिजर्व करने की ज़रूरत होती है सो वेयर शुड दिस पीस ऑफ प्लास्टिक गो तो उसके बाद जो हमने प्लास्टिक पैकेजिंग में सामान लिया उस प्लास्टिक को कहाँ जाना चाहिए एज़ यूजल सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पर लॉ हैं बट देयर इज लिटिल साइंटिफिक नो हाउ और ब्यूरोक्रेटिक एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट दैम तो यहाँ पर लॉस तो हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है अकॉर्डिंग टू द लॉ द अल्टीमेट मैनुफैक्चर ऑफ द प्लास्टिक फिल्म द रॉ मटीरियल फॉर द मच रिवाइल्ज कैरी बैक्स एंड ऑल्सो द मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ ब्रांडेड पैकेजिंग वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कलेक्शन ऑफ दिस वेस्ट एंड इट्स प्रोसेसिंग तो अगर हम देखें तो पैकेजिंग मटीरियल तो एस सच एक रुपए का ही होता है लेकिन यहाँ पर पैकेजिंग करने में ब्रांडिंग करने में तो उसमें यहाँ पर आठ रुपए लग जाते हैं

फिलिंग दीज अप एंड सीलिंग दम लेबलिंग एंड ब्रांडिंग तो यहाँ पर जो कॉस्ट है पैकेजिंग मटीरियल की वो सिर्फ यहाँ पर एक रुपये है गिविन द वॉल्यूम्स एट द एफ एम सी जी मैनुफैक्चरिंग प्लांट हंड्रेड्स ऑफ शैम्पू बॉटल्स नीड्स टू बी फिल्ड पर मिनट एंड सोप्स नीड्स टू बी पैक्ड ऑफ द रुपी वन ऑफ द री यूजेबल मटीरियल इवन विद द मोस्ट एडवांस रीसाइकलिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो कॉस्ट निकले वो लेस दैन फिफ्टी पैसा होगी द वैल्यू ऑफ दैट पीस ऑफ गार्बेज अगर यहाँ पर अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर के पास पहुँचता भी है तो ये होगा पचास पैसे से कम उसकी कॉस्ट देअर फॉर ये इकोनॉमिकल नहीं है कि वापस से जो वेस्ट है उसको यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के पास लेकर जाया जाए हेंस ओनली वे दिस वेस्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड देयर आर एब्जेक्टली पुअर पीपल जो कि इसको सेग्रीगेट करते हैं फोर्ट चिपलोन जो कि एक तालुका टाउन है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में दिस मीन्स अबाउट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ प्लास्टिक गार्बेज इज लेफ्ट ऑन द स्ट्रीट ब्लोइंग इन द विंड क्लॉगिंग अप गटर्स स्टून ऑन प्ले ग्राउंड्स एंड बीचेज जो रिमेनिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट है वो यहाँ पर सिटी का जो गार्बेज कलेक्शन सिस्टम है वो कलेक्ट कर लेता है लेकिन सेवेंटी फाइव परसेंट जो प्लास्टिक गारबेज है वो स्ट्रीट्स में ही रहता है

तो वॉट इज टू बी डन क्या किया जा सकता है वन अटेम्प्ट इन महाराष्ट्र अड्रेस द मोस्ट विजिबल वेस्ट तो फर्स्ट इज पैट बॉटल्स एंड मिल्क बैग्स एंड पुट्स अ लार्जर वैल्यू फॉर एग्जाम्पल रुपीज़ वन एंड फिफ्टी पैसे रिस्पेक्टिवली वन फॉर पैट बॉटल्स एंड फिफ्टी फॉर मिल्क बैग्स एज द कलेक्शन प्राइस टू बी पेड बाई द बॉटल्स एंड मिल्क प्रोड्यूसर्स जो भी यहाँ पर उनको वेस्ट देगा तो यहाँ पर जिनको भी बॉटल्स को और मिल्क प्रोड्यूसर्स को जो भी यहाँ पर वेस्ट देगा तो उनको एक रुपए दिए जाएंगे पेट बॉटल्स के लिए पचास पैसे दिए जाएंगे मिल्क बैग्स के लिए तो इस सिस्टम ने काम तो किया पेट बॉटल्स के लिए लेकिन यहाँ पर मिल्क बैग्स के लिए इस सिस्टम ने काम नहीं किया अब ऐसा क्यों है दिस हैज़ वर्कड विद पेट बॉटल्स सिंपली बिकॉज दे आर इजली कलेक्टेड इन बल्क एट रेलवे स्टेशन एंड रेस्टोरेंट्स एंड ईज़ली पिकड अप इन गार्बेज स्टम्प्स बट दैट हैज़ नॉट हैपन विद मिल्क बैग्स इवन विध पैट बॉटल्स द आर्टिफिशली लार्ज प्राइज ऑफ रुपीज़ वन एक्सीड्स द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सिक्सटी पैसा जस्ट एज इट टुक रुपीज एट टू कन्वर्ट द पैकेजिंग मटीरियल इन टू अ पैकेज प्रोडक्ट एंड रुपीज फाइव टू ट्रांसपोर्ट इट विल टेक अ कमेंसरेट अमाउंट ऑफ मनी लगभग यहाँ पर तीन रुपये लग जाएंगे कि ये अल्टीमेट सोर्स तक पहुँचे तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो आप एक सस्टेनेबिलिटी टैक्स लगा सकते हो दिस मे बी इंप्लीमेंटेड एज अ सस्टेनेबिलिटी टैक्स जिसकी वजह से यहाँ पर चिपलुन टाउन के पास आ जाएंगे 2.1 करोड़ पर एन जो कि यूज़ किए जा सकते हैं गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सच अ कंजम्शन टैक्स बेस्ड ऑन कंक्रीट एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड इट्स लोकल रिवोल्यूशन जिसकी वजह से यहाँ पर राइट इंसेंटिवस क्रिएट किया किए जा सकते किए जा सकते हैं और यहाँ पर जो गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर सल्यूशन लाई जा सकते. सकते हैं नेक्स्ट यहां पर हाउ टू कीप द लाइट्स ऑन सेफ कॉस्ट अ पैराडाइम स्कीम है कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक बनाया जाएगा पहले हम मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच सिस्टम को एग्जाम्पल से देखते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पर दो डिस्कॉम्स ए एंड बी दोनों के ही यहां पर पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं लेट से बोथ हैव पी पी एज़ टोटलिंग थाउजेंड मेगावाट ईच डिस्कॉम ए के यहाँ पर थ्री पी पी एज हैं एक है पाँच सौ मेगावाट का दूसरा है तीन सौ का तीसरा है यहाँ पर दो सौ मेगावाट का जो पाँच सौ मेगावॉट का है वो तीन पर यूनिट कॉस्ट पर है तीन सौ मेगावॉट का थ्री पॉइंट टू फाइव पर यूनिट कॉस्ट पर है और दो सौ मेगावॉट का थ्री पॉइंट फाइव जीरो यूनिट पर कॉस्ट पर है डिस्कॉम बी के भी यहाँ पर थ्री पी हैं सिमिलर कैपेसिटी के लेकिन कॉस्ट है फर्स्ट वाले पी की 3.25 पॉइंट पर यूनिट सेकेंड वाले की 3.50 पर यूनिट और थर्ड वाले की है 3.75 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली अब किसी दिन बारिश की वजह से डिस्कॉम ए को सिर्फ 800 मेगावाट ऑफ पावर चाहिए और थाउजेंड मेगा ऑफ पावर नहीं चाहिए तो यहाँ पर उसका जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो तो थाउजेंट मेगावाट का है लेकिन एक पर्टिकुलर दिन उसको आठ सौ ही चाहिए थाउजेंट मेगा नहीं चाहिए तो ये क्या करेगा ये अपना थर्ड पी को यूज़ नहीं करेगा जहाँ पर थ्री पॉइंट फाइव जीरो पर यूनिट कॉस्ट है इफ दिस शेयर ऑफ टू हंड्रेड मेगावॉट इज़ ट्रांसफर टू डिस्कॉम बी तो अगर ये दो सौ मेगावॉट यहाँ पर डिस्कॉम बी को दे दिया जाता है तो डिस्कॉम बी को भी इससे फ़ायदा होगा तो डिस्कॉम बी का यहाँ पर जो पी पी ए है थ्री पॉइंट सेवन फाइव पर यूनिट डिस्कॉम बी इसको यूज़ नहीं करेगा इफ द शेयर ऑफ टू हंड्रेड मेगा वॉट इज ट्रांसफर टू डिस्कॉम्बी इट स्टैंड टू गेन सिंस इट कैन देन अवॉइड ड्रॉइंग पावर फ्रॉम इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव पीपीए विच कॉस्ट रुपीज थ्री पॉइंट सेवन फाइव पर यूनिट जिसकी वजह से यहाँ पर पॉइंट टू फाइव पर यूनिट यहाँ पर सेव होगा तो यही लॉजिक है एम बी ई डी का इंस्टेड ऑफ ऑल डिस्कॉम्स ऑपरेटिंग इन सेलोस रिस्ट्रिक्टिंग दैम सेल्स टू देयर ओन पी पी एस ओनली तो एंटायर डिमांड जो कंट्री की है उसको पूल टुगेदर कर दिया जाएगा सारे पी पी एस को पूल टुगेदर कर दिया जाएगा और यहाँ पर होगा सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सिस्टम तो अभी जो है दैट इज़ डी सेंट्रलाइज डिस्पैच सिस्टम इसको यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सिस्टम बना दिया जाएगा तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सिस्टम क्या है A paradigm shift is being proposed by the central government in power sector governments. द स्कीम अंडर कंसिडरेशन इज द मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच अंडर द प्रेजेंट रजीम ईच डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के यहाँ पर पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं दैट इट होल्ड इच कैन शेड्यूल पावर ओनली फ्राम इट्स ओन पी पी एस और यहाँ पर दूसरे पी पी ए से पावर को शेड्यूल नहीं कर सकता है तो मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच में यहाँ पर दूसरे पी पी ए से भी पावर को शेड्यूल किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल हमने जो यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस किया द सेंट्रलाइज डिस्पैच विल बी डन विद द असिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजेस तो यहाँ पर डे अहेड मार्केट होगी जिसमें यहाँ पर डिस्कॉम और जनरेटर बिड प्लेस करेंगे तो डे अहेड मार्केट होगी जिसमें डिस्कॉम और जनरेटर बिड को प्लेस करेंगे बिच विल इंडिकेट की पावर की क्या डिमांड सप्लाई है और कितने प्राइस पे होना चाहिए तो एक प्राइस यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा दैट वुड बी मार्केट क्लियरिंग प्राइस अब जिन्होंने मार्केट क्लियरिंग प्राइस से ज्यादा बिट किया था उन्हें भी मार्केट क्लियरिंग प्राइस के ऊपर ही सप्लाई करना पड़ेगा तो अगर वो नहीं सप्लाई करना चाहते हैं इसके ऊपर तो बेसिकली वो यहाँ पर खाली बैठ सकते हैं तो ऑल जनरेटर्स हुज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज बिलो द एम विल बी आज टू डिस्पैच एंड ऑल ऑफ देम विल रिसीव द सेम एनसीपी इस्पेक्टिव ऑफ वॉट दे हैड बेट तो जनरेटर्स जिनकी वेरिएबल कॉस्ट हायर है देन द एम सी पी आइडल दिस हाउ एवर इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी this is so devised that its operation will not affect the current finances of either the discoms or the generators for the following reasons Behla, जो फिक्स्ड कॉस्ट है जनरेटर की इट विल स्टिल बी पेड बाय द डिस्कॉम्स आउटसाइड द मार्केट ठीक है सेकंड अगर एमसीपी कम्स आउट टू बी रुपीज़ थ्री पर यूनिट एंड इफ इन द केस ऑफ एनी पीपीए जो वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ पर टू पॉइंट सेवन फाइव पर यूनिट है तो जनरेटर को यहां पर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा डिस्कॉम को टू द एक्सटेंट ऑफ पॉइंट टू फाइव पर यूनिट सिमिलरली अगर यहां पर एम सी पी डेटामाइन किया गया है टू पॉइंट फाइव जीरो पर यूनिट पर और डिस्कॉम की यहां पर जो तो इस केस में यहां पर डिस्कॉम को जनरेटर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज़ टू फाइव so तो पर एम बी मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच को अगर यहां पर हम एडॉप्ट करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा तो ओनली द रिलेटिवलीफिशियंट प्लांट को यहां पर मौका मिलेगा कि वो जनरेट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द रेवेन्यूज ऑफ ईदर द जनरेटर्स जिसकी वजह से जो टोटल कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो कम होगी लेस कोल कंजम्पशन होगा लेस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जाएगी इसके अलावा लेस मूवमेंट ऑफ कोल होगा जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक्स का डी हो जाएगा फॉरदर देर वुड भी इन्हेंसड रिन्यबल इंटीग्रेशन क्योंकि जो बैलेंसिंग एरिया है वो यहाँ पर स्टेट से नेशनल लेवल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इंसीडेंटली सिंस देर आर थ्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजेस इन ऑपरेशन टूडे तो जिसकी वजह से यहाँ पर थ्री डिफरेंट एम सी पीज होंगे तो ऑथर ने कहा है कि सिंगल एम सी पी होने की जरूरत है जिसकी वजह से यहाँ पर तीनों एम सी पी को मिलकर यहाँ पर एक सिंगल एम सी पी के बारे में सोचना चाहिए इट्स विल बी जॉब ऑफ द कपलर टू डिटामाइन अशनल एम सी पी बेस्ड ऑन वॉट हजा थ्री डिफरेंट एक्सचेंजेस वाई आर द स्टेट्स ऑब्जेक्टिंग टू द एम बी ई डी स्कीम अब यहाँ पर जो स्टेट की यहाँ पर डिस्कॉम्स हैं उनकी यहाँ पर जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है तो अफकोर्स उनकी जो वेरेबल कॉस्ट होगी वो एम सी पी से ज़्यादा होगी तो ऐसे में उनको आइडल बैठना पड़ेगा तो द रीज़न इज द स्टेट ओन जनरेटर्स आर रिलेटिवली इनफिशियंट एंड मे हैव टू सिट आइडल क्योंकि उनकी जो वेरेबल कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो यहाँ पर एम सी पी से ज्यादा होगी टूडे द स्टेट्स आर ऑपरेटिंग देअर ओन जनरे टू द हेल्थ इवन दो दे आर इन एफिशियंट कीपिंग स्टेट जनरेटर्स आइडल हैज़ इट्स ओन पॉलिटिकल इंप्लीकेशन और कोई भी स्टेट इस आइडिया से इनामड नहीं होने वाला है जिसकी वजह से स्टेट इस आइडिया को अपोज कर रहे हैं कि एम बी ई डी का सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से जो स्टेट के यहाँ पर जनरेटर्स हैं उनको यहाँ पर खाली बैठना पड़ेगा क्योंकि उनकी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो यहाँ पर एम सी पी से ज़्यादा होने वाली है अब हम आगे चलते हैं टेक सपोर्ट इन प्लेस तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स हुआ था Next the government asked science health departments to prune awards और यहाँ पर जो साइंस डिपार्टमेंट में इतने सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं इतने सारे देने की जरूरत नहीं है कुछ यहाँ पर हाई स्टेटस के अवार्ड हाई स्टैचर के अवार्ड यहाँ पर बनाने की जरूरत है द सेंटर हैज़ आज इट्स वेरियस साइंस डिपार्टमेंट्स एज वेल एज इट्स हेल्थ डिपार्टमेंट टू ट्रिम द नंबर ऑफ अवार्ड्स दे गिव आउट एंड एनश्योर इंस्टेड डेट द फ्यू कन्फर्ड आर ऑफ ग्रेटर वैल्यू तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नोबेल लाइक साइंस अवार्ड बनाया जा सकता है लाइक like विज्ञान रत्न जिसका स्टैचर यहाँ पर भारत रत्न के बारे बराबर होना चाहिए नेक्स्ट है आसाम चीफ मिनिस्टर इन काजी रंगा आफ्टर डार्क लीगल बट नॉट द बेस्ट आइडिया अब ये जो है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है कि नाइट सफारी जलाउड है नहीं है लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इन इंडिया द एंट्री इं टू फॉरेस्ट इज गवर्न बाई द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सेवन एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवनटी टू तो यहाँ पर जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है ये अप्लाई होता है टू ऑल रिजर्व फॉरेस्ट और ये प्रोहिबिट करता है ट्रेस पासिंग को एवरी वन अदर देन पीपल जो कि विलेज में रहते हैं तो अगर उनको रिजर्व फॉरेस्ट में जाना है तो उनको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी फ्रॉम द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कंसर्न फॉर एंट्रिंग दिस फॉरेस्ट फॉर एनी पर्पज़ फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एम्पावर करता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट कि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए लॉ को फ्रेम किया जाए एंट्रिंग प्रोटेक्टेड एरिया सेंचुरीज एंड नैशनल पार्क अंडर द सेम एक्ट एन टी सी ए के पास पावर है कि एन टी सी ए यहाँ पर रूल्स को बना सकती है फॉर द टाइगर रिजर्व तो काजीरंगा नैशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है सो वाई आर नाइट सफारी जनरली नॉट इनकरेज इन इंडिया अब अफ्रीकन सवाना में वेजिटेशन इतना नहीं है तो जिसकी वजह से यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स के साथ सरप्राइज़ एनकाउंटर होने के चांसेस कम है, तो पु, तो पु, तो हैं एंड टूरिस्ट जनरली गेट अ 360 डिग्री व्यू टू टू पुट हैंड स्पॉटलाइट्स एंड कैमरास टू गुड यूज एट नाइट लेकिन इंडिया में यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस ट्रॉपिकल वेजिटेशन के हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ आसानी से दिख जाए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है तो वाइल्ड ड्राइविंग ऑन अ फॉरेस्ट ट्रैक ओवर हंगवाई वेजिटेशन दिस मेक्स स्पॉटिंग एनिमल्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं टूरिस्ट की लाइफ भी यहाँ पर रिस्क पर आ सकती है वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ भी रिस्क पर आ सकती है जिसकी वजह से नाइट एनकरेज नहीं किया जाता है नेक्स्ट स्मैशिंग इन टू अ स्पेस रॉक तो कल हमने यहाँ पर नासा का डार्ट मिशन डिस्कस किया था तो वही यहाँ पर डिटेल में बताया गया है नासा का डार्ट मिशन इट इज द काइंड ऑफ स्टफ जो कि आप यहाँ पर मूवीज में देखते हो साइंस फिक्शन मूवीज में एन एस्टोराइट जो कि अर्थ की तरफ आने वाला है इट्स कॉलिजन का ये इम्पैक्ट हो सकता है कि पूरी ह्यूमन लाइफ ही हर तरीके की लाइफ फॉर्म्स यहाँ पर वाइप आउट हो जाए एंड ह्यूमन बीइंग मैनेजेस टू एग्जीक्यूट अ लास्ट मिनट प्लान और यहाँ पर एस्टेराइड को किसी तरह डिफ्लेक्ट किया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर एस्टेराइड अर्थ को ना हिट कर पाए और एस्टेरॉयड की जो ट्रेजेक्ट्री है वो यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाए ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग नासा द यू स्पेस एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम इनैक्टेड दिस स्क्रिप्ट इन रियल लाइफ जस्ट दैट यहाँ पर जो एस्टेरॉयड था वो यहाँ पर अर्थ के लिए कोई थ्रेट नहीं था देर वॉज नो डेंजर एनी कॉलिशन बट अ स्पेस जो कि यहाँ पर स्पेशली इस पर्पज के लिए भेजा गया था तो ये एस्टेराइड से कोलाइट करता विच वॉज ऑर्बिटिंग द सन इलेवन मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ इलेवन मिलियन किलोमीटर अबाउट थ्री हंड्रेड टाइम्स द डिस्टेंस टू द मून एंड इट इज द क्लोजेस्ट कि यह एस्टेराइड आया था डाइमोरफोज कम्स टू द अर्थ वैल गोइंग अराउंड द सन वाइल्ड द हिट वॉ सक्सेसफुल लेकिन अभी यहाँ पर और ऑब्जर्वेशन आना बाकी है कि इससे एस्टेराइड की ट्रेजिक्ट्री कितनी डिफ्लेक्ट हुई है द डेंजर इज फ्रॉम बिगर एस्टेराइड फॉर एग्जाम्पल द वन दैट मेड डायनासॉर एक्सटिंक्ट वॉज अबाउट टेन किलोमीटर इन विथ नास डार्ट मिशन डबल एस्टेराइड रीडाक्शन टेस्ट और डार्ट तो यहाँ पर टारगेट किया गया था डाइमोफोस को विच इज एक्चुअली अर्जर एस्टेराइड कॉल्ड डाइडामोस द डाइडामोस इज सेवन एटी मीटर एट इट्स वाइडेस्ट एंड डाइमार्फोज इज अबाउट वन सिक्सटी मीटर डाईमार्फोस ऑर्बिट करता है डाइडामोस को एंड दिस टू बॉडी सिस्टम गोज अराउंड द सन वन ऑफ द रीजन साइंटिस्ट ने यहाँ पर चूज किया डाईमार्फोस को बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिवली शॉर्टर ऑर्बिट अराउंड डाइडामोस अभी मिशन ओवर नहीं हुआ है प्रिवेंटिंग एस्टेराइड हिट्स इज़ इन अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टूगेदर तो पहले यहाँ पर एंटी सेटेलाइट की बात की गई है कि जो एंटी सेटेलाइट टेस्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने भी एंटी सेटेलाइट टेस्ट था, किया था आई थिंक दो हज़ार उन्नीस ने किया था द एटी सेटेलाइट टेस्ट कैरीड आउट बी अ फ्यू कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड सेवरल टाइम्स द केपेबिलिटी टू स्ट्राइक एट एंड डिस्ट्रॉय फास्ट मूविंग स्पेस सेसेट्स विद रमाकाबिल प्रोसीजन लेकिन एंटी सेटेलाइट टेस्ट और यहाँ पर एस्टेरॉयड को हिट करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंटिंग एस्टेराइड हिट्स इज़ इन अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर एस्टेराइड्स आर एनी थिंग बट फ्रेजाइल क्योंकि एस्टेराइड्स यहाँ पर बने होते हैं हार्ड रॉक से एंड इट वुड हैव माससेज ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ टनस आई स्पेस क्राफ्ट इवन दो मूविंग एट वेरी हाई स्पीड इज अनलाइकली टू डिस्ट्रॉय इट लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है ऑब्जेक्टिव ये है कि बस एस्टेराइड की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर दिया जाए द अटैम्प्ट इज टू ट्रांसफर इनफ मोमेंटम ऑफ द मूविंग स्पेस क्राफ्ट ड्यूरिंग द कॉलिजन जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रोजेक्ट्री है उसमें स्लाइड चेंज हो जाए दिस स्लाइड चेंज वुड गैट मैग्नीफाइड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस और यहाँ पर जो कॉलिजन है अर्थ के साथ वो यहाँ पर नहीं होगा इन अदर केसेस हेड ऑन कॉलिजन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हेड ऑन कॉलिजन करोगे तो इतना ज्यादा यहाँ पर रॉक का मास है तो जिसकी वजह से हेड ऑन कॉलिजन में स्पेस क्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्टरी भी डिफ्लेक्ट नहीं होगी तो बेसिकली यहाँ पर कॉर्नर में स्ट्राइक करना चाहिए स्ट्राइकिंग इन अ कॉर्नर टू मेक द स्टेरॉइड स्पिन और वो माई टर्न आउट टू बी अ मोर इफेक्टिव वे टू डिफ्लेक्ट इट फ्राम इट्स करेंट ऑर्बिट नेक्स्ट है यहाँ पर जॉइंट डिक्शनरी ऑफ संस्कृत जो कि यहाँ पर अभी इन मेकिंग ही है आफ्टर मेनी ईयर्स द डोर्स ऑफ द स्क्रिप्टोरियम एंड एडिटोरियल रूम ऑफ द प्रस्टीजियस संस्कृत डिक्शनरी एट पुनेकलेज पोस्ट ग्रेजुएट तो ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया था प्रोजेक्ट 1948 में कब पूरा होगा ये अभी पता नहीं है बट वेन एवर दैट द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में होगी 20 लाख वर्ड्स एंड बिकम पर लार्जेस्ट डिक्शनरी इन एनी लैंग्वेज नॉन पर्सनल डेटा रेगुलेटर आफ्टर कंसल्टेशन फ्रेमिंग अ सूटेबल लेजिस्लेशन ऑन हैंडलिंग कलेक्शन एंड यूसेज ऑफ नॉन पर्सनल डेटा और नॉन पर्सनल डेटा को कैसे यूज़ कर सकती हैं प्राइवेट एंटिटीज तो उसके बारे में यहाँ पर लेजिस्लेशन बनाया जाएगा अ बॉडी प्रपोज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी टू एक्ट इज द कंट्रीज नॉन पर्सनल डेटा रेगुलेटर और ये बॉडी होगी इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस तो ड्राफ्ट प्रोपोज द क्रिएशन ऑफ एन इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस जो कि मैनेज करेगा एंड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर द फ्लो ऑफ सच डेटा फिर यहाँ पर एक कमिटी की बात की गई थी द आइडिया ऑफ हार्निसिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो यहाँ पर नॉन पर्सनल डेटा का यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नॉन पर्सनल डेटा को स्टार्टअप्स को प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप्स यहाँ पर मार्केट डिमांड को गेज कर सकते हैं इन अ ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन द गोपा कृष्ण कमिटी रिकमेंडेड कि हमें यहाँ पर सर्टेन हाई वैल्यू डेटा सेट्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और जिनको कि हम यहाँ पर शेयर कर सकते हैं विद स्टार्टअप्स जो कि यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इंकरेजिंग इनोवेशन एंड एंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी के लिए नेक्स्ट फिल वेकेंसीज बेंट फॉर एससीज फास्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन ट्यूजडे आस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स कि जो भी यहाँ पर वेकेंसीज हैं शेड्यूल कास्ट के लिए उनको यहाँ पर जल्दी से जल्दी फिल किया जाए नेक्स्ट यहाँ पर आईएमईआई रजिस्ट्रेशन नंबर तो आईएमईआई क्या होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जो कि 15 डिजिट नंबर होता है हर मोबाइल डिवाइस के लिए ये यूनिक होता है ऑफ ऑल हैंडसेट्स जो कि इंडिया में बने हैं इसके अलावा जो इंपोर्ट हुए हैं तो उसका भी यहाँ पर आईएमईआई नंबर गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होता है इंपोर्टर्स टू विल हैव टू रजिस्टर विद द गवर्नमेंट द आईएमईआई ऑफ ईच फोन बिफोर इंपोर्टिंग इट तो आईएमईआई क्या होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी जो कि 15 डिजिट नंबर होता है नेक्स्ट हम आगे चलते हैं तालिबान डिप्टी कॉल्स फॉर री ओपनिंग गर्ल्स स्कूल नेक्स्ट यहाँ पर ब्लिंकन एंड पिला विल डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबल रिलेशन विद इंडिया द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग अ रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप विद इंडिया और यहाँ पर चाइना के साथ जो डेट प्रॉब्लम है ये यहाँ पर पाकिस्तान को एड्रेस करनी चाहिए अगर ये पाकिस्तान करेगा तभी पाकिस्तान यहाँ पर जल्द से जल्द रिकवर हो सकता है जो पाकिस्तान में यहाँ पर फ्लड्स आई थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को यहाँ पर मैसेव लॉसेज हुए हैं

तो जब से यहाँ पर तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में एक डीप इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखी है जिसकी वजह से ज़्यादा इनसिक्योरिटी है पावर्टी है आइसोलेशन है और इस गवर्नमेंट को अभी तक किसी ने रिकोगनाइज भी नहीं किया है किसी कंट्री ने रिकगनाइज़ नहीं किया है तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे